ओके सर। मैं वीरा साथीदार नागपुर से आया हूँ और भीमा कोरेगांव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान की तरफ से हम लोगों ने विभिन्न जाति धर्मों के लोगों के साथ, विभिन्न संगठन और संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ और विभिन्न शहरों से आए लोगों के साथ जो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया, मैं उसका एक सदस्य हूँ। और हम लोगों ने दो दिन औरंगाबाद में अनेक राजनेताओं के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में, आम इंसान के साथ में, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या बौद्ध हो, पीड़ितों के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में जो बातचीत किया है, जो समाचार पत्रों में, जो कुछ अखबार में जो कुछ भी खबरें आई थी वो सब पढ़ने के बाद में हमारे जो फैक्ट जो फाइंडिंग्स हमारे सामने आए हैं, तो उसका एक प्राइमरी रिपोर्ट हम लोग यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्राइमरी रिपोर्ट में जो बातें आई है वो साबित करती है, वो हमको ऐसे फीडबैक पूरी तरह से मिले हुए हैं कि यह जो हमला या दंगा जो हुआ है वह पहले से पूर्व तैयारी के साथ था और उसका नियोजन बहुत पहले से किया गया था, ये साफ बात। दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं कि अवैध नल कनेक्शन काटने से मुस्लिम लोग भड़के और दंगा भड़का, इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि उसके 3-4 दिन पहले वो नल काटे गए थे, जबकि क्रांति चौक से लेकर शाहगंज तक जो भी अवैध नल कनेक्शन है मुख्य जलवाहिनी को लेकर उसके सभी कनेक्शंस काट देने चाहिए, अवैध नल कनेक्शंस, और जो लोग टैक्स पे रहे उनको पूरा पानी मिलना चाहिए। और इतनी दुखद बात है कि उस एरिया के लोगों को 5 दिन के बाद 6वें दिन पानी मिलता है, तब तक उनको 5-6 दिन का पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ऐसी हालत में लोगों की डिमांड एकदम वाजिब थी, मुस्लिमों की भी ये डिमांड वाजिब थी कि अवैध नल कनेक्शन काट दिया जाए। लेकिन आप देखिएगा किसी क्रांति चौक से शुरुआत हुई है नल काटने की, ना शाहगंज से काटने की हुई है। वो अगर हुई है तो मोती करंजा चौक में केवल 4 नल कनेक्शन काटे हैं और वो भी जो मुस्लिमों के साथ में थे। ये साबित करता है कि यह जो कार्रवाई है मनपा प्रशासन की वो एकदम पक्षपातपूर्ण है और इन्हें पूरे अवैध नल कनेक्शन काटना भी नहीं है, उनका वोट का प्रॉब्लम है हो सकता है। तो यह एक बात है। तो ये नल का जो स्टोरी है वो तो एकदम फेल्योर स्टोरी है। दूसरी बात है कि शाहगंज में राजा बाजार में जो आम बेचे गए थे वो आम खराब थे, इसलिए वापस करने गए, कुछ पैसे मांगने गए, इसलिए झगड़ा हुआ। यह भी बात बेबुनियाद है, झगड़ा हुआ था, लेकिन वह झगड़ा दोनों समाज के लोगों ने मिलकर, दोनों समाज के नुमाइंदों ने मिलकर, कार्यकर्ताओं ने मिलकर दोनों में एक समझौता कर लिया था। और इसके बाद में दोनों ने कसम भी खाई थी कि नहीं, इसकी छोटी छोटी बातों के लिए हम दोनों समाज लड़ेंगे नहीं। उसके बाद लच्छू पहलवान नाम के एक व्यक्ति ने अपने भतीजों को ले जाकर और कुछ लोगों को ले जाकर फिर झगड़ा फसाद किया और एक मामला खड़ा कर दिया उसको और एक रंग देने की कोशिश हुई। आप देखिए कि जिस मोती कारंजा से इसकी शुरुआत हुई है 11 तारीख को, आप देखिए कि 8 तारीख को लच्छू पहलवान ने बोला था दुकानदारों को जाके कि मैं ये दुकानें जलाकर खाक कर दूंगा, और 9 तारीख को 21 दुकानदारों ने, जिसमें 4 हिंदुओं की भी दुकानें हैं, सबने 9 तारीख को निवेदन दिया था, एक मेमोरेंडम दिया था पुलिस को और बताया था कि कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और 11 तारीख को उनकी दुकान जलकर खाक हुए। दुकान केवल एक बाजू की दुकान जलकर खाक हुए, दूसरी बाजू की दुकानों को कुछ भी हाथ नहीं पहुँचा, तो इससे साबित होता है कि पुलिस ने उस निवेदन को भी कोई कॉग्निशंस नहीं लिया उसका वाला, और एक विशिष्ट समाज के दुकानों को जलने दिया। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पुलिस का और महानगर पालिका का पक्षपात सामने में दिखता है, क्योंकि कई दिनों से वहाँ पर यहाँ के महापौर, महानगर पालिका के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर बाजार नहीं लगना चाहिए, और रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में लोगों को रोजी रोजगार मिलता है, बाहर से वो कुछ सामान खरीद कर लाते हैं, बेचते हैं और एक महीने का वो धंधा करते हैं। तो ऐसे समय में उनके रोजी रोजगार को, एक विशिष्ट समाज के रोजी रोजगार को छीनने की ख्वाहिश से की हुई ये सब कार्रवाई दिखती है। और आप जहाँ भी आप देखेंगे पुलिस ने एक विशिष्ट समाज पर गोली चलाई है, एक विशिष्ट समाज पर वो टीयर गैस के सेल्स फेंके गए हैं, और एक कोम्बिक ऑपरेशन भी जो किया गया है एक विशिष्ट समाज के, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों पर किया गया है, और उसके बगल में जो कोई हिंदू इलाके है, जो हिंदू दंगाई जो थे उनके घर में या उनकी बस्ती में कोई कोम्बिक ऑपरेशन नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन का एक
जो एक तटस्थ भावना जो होनी चाहिए थी उसमें साफ नदारत है। और ऐसा लोगों की एक भावना हो सकती है कि पुलिस किसी एक विशिष्ट समूह के साथ में है, और ये उन लोगों का कहना है कि हमने कई वीडियो क्लिप्स पर या कई चैनल्स पर ऐसे इन चीज़ों को देखा है, और ये पुलिस की और उन आरोपियों की मिलीभगत है। और यह भी देखा गया है कि एक विशिष्ट समूह के नेता ही, विशिष्ट पार्टी के नेता ही ज़्यादातर बहुत ही एरोगेंटली और एक विशिष्ट जाति समूह के खिलाफ वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम विशिष्ट समूह के, हम हिंदू के नेता हैं, जबकि वो संविधान की कसम खाकर ये कहते कि हम इस देश के सांसद हैं। आपके डिमांड्स क्या है? हमारी डिमांड ये है कि जो सबसे पहले तो डिमांड ये है कि जो गोलीबारी में जो लोग मृत हुए हैं उनके परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा सरकार ने देना चाहिए, जो गोलीबारी में जख्मी हुए हैं उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए, और जो बाकी इसमें जख्मी हुए हैं चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो चाहे और कोई हो, वो उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। और इसकी अगर छानबीन करना है, क्योंकि SIT तो पुलिसों की है और लोगों का विश्वास अभी शायद पुलिस पर नहीं रहेगा, तो उस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से ये घोषणा होनी चाहिए कि सरकार विद्यमान जो न्यायाधीश है हाईकोर्ट के उनके मार्फत इसके एक चौकसी समिति का गठन करे, उस चौकसी समिति के द्वारा इसकी पूरी जांच हो, और उस वो चौकसी समिति या वो जो कमीशन रहेगा वो कमीशन की जो सिफारिशें रहेगी वो सरकार उसको मान्य करे, ये हमारी अभी मांग है। और भी जो फाइंडिंग हमारे पास में आएंगे जब हम एक फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे उस समय ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, इसकी पूरी डिटेल्स देंगे, और सरकार ने क्या करना चाहिए इसकी भी कुछ सिफारिश हम लोग उसमें करेंगे। और सरकार को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी अपने तपास के लिए या अपने कार्रवाई के लिए, तो वो चीज़ें भी जो अगर हमारे पास में होगी तो हम उनको मुआवजा कराएंगे। साथीदार, नागपुर से हूँ और सिनेमा में काम करता हूँ।